नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी टाइमलाइनर्स पे। सो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, आज की मैं इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है जो दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, जो है इनसाइड और आउटसाइड दिल्ली। जी हाँ फ्रेंड, ये जो इनसाइड और आउटसाइड दिल्ली वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत स्टूडेंट को परेशान करता है कि इसका मतलब क्या है और क्या होता है। तो फ्रेंड, आपको सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपका ये डाउट आज क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपसे ये बात करूँगा कि ये दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली वाले की मतलब हमें इस टॉपिक पे इतनी बात करने की ज़रूरत क्या पड़ी है। आखिर क्या ऐसी वजह होती है कि स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी होती है कि हम दिल्ली रीजन में आते हैं या फिर नहीं आते। तो देखिए फ्रेंड, उसका सबसे बड़ा रीज़न आप यहाँ पर देख लीजिए। ये देखिए फ्रेंड, आपको ये अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग में आपको ये कट ऑफ दिख रही है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दिल्ली लिखा हुआ है, मतलब ये दिल्ली रीजन के लिए कट ऑफ है। अगर आप दिल्ली रीजन के में आते हो तो आपकी, अगर आपकी 2705 रैंक है तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड, ये दिल्ली रीजन के लिए। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ट्विस्ट आता है। अब देखिए फ्रेंड, सेम वही कॉलेज है और सेम क्या कहते हैं, सेम वही ट्रेड भी है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और सब कुछ सेम है। बस चीज़ क्या बदली है, चीज़ ये बदली है कि यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली के लिए कट ऑफ दे रखी है। तो देखिए फ्रेंड, यही आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए कट ऑफ कितनी है, 951। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट 2700 से 951 हो गई। मतलब अगर आप दिल्ली के हो तो आपको 2700 पे भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर के हो तो आपको 950 पे मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड, यहीं पे बहुत बड़ा अंतर आ जाता है जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत होती है कि वो समझ नहीं पाते वो दिल्ली के हैं कि आउटसाइड दिल्ली के, क्योंकि दिल्ली वालों को काफ़ी बेनिफिट मिलता है दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर अगर वो दिल्ली रीजन में आते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो, क्योंकि अगर आप दिल्ली के हो तो आपको 2700 पे भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप बाहर के हो तो आपको 951 रैंक चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हो कि आप दिल्ली में आते हो या फिर नहीं आते। तो देखिए फ्रेंड, आउटसाइड और इनसाइड दिल्ली के लिए एक सिंपल सा क्राइटेरिया जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप दिल्ली में आते हो या फिर नहीं आते हो। इसमें बेसिकली स्टूडेंट को दो ही चीज़ों में दिक्कत होती है कि हमारे होम एड्रेस, मतलब घर के एड्रेस को लिया जाता है, या फिर स्कूल के एड्रेस से हमें पता चलेगा कि अगर हमारा घर दिल्ली में है तो क्या हम दिल्ली आउटसाइड दिल्ली होंगे या इनसाइड दिल्ली होंगे, या फिर हमारे स्कूल के एड्रेस को, मतलब वहाँ पर देखा जाएगा कि हमारा स्कूल दिल्ली में है या फिर नहीं है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा, आपको यहाँ पर डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए फ्रेंड, आपके स्कूल के एड्रेस से मतलब होता है, आपका घर कहीं भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका स्कूल कहां पर है उससे मतलब होता है। अगर आपका स्कूल दिल्ली में है तो फ्रेंड, आप दिल्ली रीजन में माने जाओगे। देखिए फ्रेंड, अगर आपका स्कूल दिल्ली में आता है तो आप इनसाइड दिल्ली रीजन में आते हो, मतलब फ्रेंड आपके घर के एड्रेस से कोई मतलब नहीं है, भले ही आप हरियाणा में या फिर गुड़गांव या फिर मतलब यूपी के किसी भी स्टेट में रहते हो, लेकिन अगर आपका स्कूल दिल्ली में है तो फ्रेंड आप दिल्ली के ही कंसिडर किए जाओगे। तो फ्रेंड, ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी दिक्कत में रहते हैं इस चीज़ को लेकर कि हम दिल्ली में आते भी हैं या फिर नहीं। सो फ्रेंड, आपके स्कूल के एड्रेस को कंसिडर किया जाता है हमेशा, जो आपका स्कूल का एड्रेस होता है उसी को ही कंसिडर किया जाता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके घर के एड्रेस को नहीं किया जाता। तो देखिए फ्रेंड, मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि आपको हमेशा आपका स्कूल का एड्रेस ही कंसीडर किया जाएगा, आपके हाउस एड्रेस को नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही, और अगली और अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।